नेचर क्योर के सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल की। वर्जिन कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस, तो ये होता क्या चीज़ है? वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल क्या चीज़ है? सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे। देखिए, वर्जिन का जो अर्थ है, सबसे पहले हम कोल्ड प्रेस समझ लेते हैं। कोल्ड प्रेस का मतलब है जो तेल है वो दो तरीके से निकाला जाता है। एक तरीका है कोल्ड प्रेस और दूसरा तरीका है गर्म करके, कि उस चीज़ को गर्म कर दो और उसे तेल निकाल लो। और कोल्ड प्रेस में तेल को गर्म नहीं किया जाता, इसे इसका तरीका जो है निकालने का वो दूसरा है, ठीक है, लेकिन इसमें तेल को गर्म नहीं किया जाता है बिल्कुल भी। इसको प्रेस करके निकाला जाता है, जैसे कोल्हू बैल पुराने टाइम में चलाया जाता था ना, कोल्हू से डाल के उसमें प्रेस करके तेल निकाला जाता था। तो इस प्रकार से ही इस तेल को जो है निकाला जाता है। अब आप कहेंगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, गर्मा दो, गर्मा के निकाल दो, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो आपको मैं बता दूं कि आयुर्वेदा में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बार गर्म किया हुआ तेल दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो फिर जहर बन जाता है। तो इसलिए जब लोग बीमार होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, तो उस केस में हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि आप कोल्ड प्रेस वाला तेल ही लें, चाहे वो सरसों का तेल लें या कोकोनट का तेल लें, किसी भी चीज़ का। वैसे तो हम इन दो चीज़ों को ही रिकमेंड करते हैं, यही सबसे बेस्ट है। तो इसलिए ये गर्म किया हुआ नहीं है अभी भी, तो अब इसको हम मान लो खाने में इस्तेमाल किया जाएगा, तो अब ये पहली बार ही गर्म होगा, तो आयुर्वेदा का जो वो रूल है वो पूरी तरह से फॉलो हो जाता है। अब दूसरा जो है, इसमें वर्जिन का क्या अर्थ है? वर्जिन दोस्तों, कोकोनट आपने देखा होगा, एक तो हरा हरा होता है कोकोनट, ठीक है, उसको फाड़े और उसको जो है निकाल के अगर बना देते हैं तो ये वर्जिन कहलाएगा। लेकिन अगर उसी को धूप में सुखा दे, आपने देखा होगा कि दुकानों पे जो है सूखा हुआ मिलता है और वो कई चीज़ों में हम इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो वर्जिन नहीं है। जो सूख चुका है वो वर्जिन नहीं है। जो हरा हरा है और उसको काट के जो है हरा वाला जो होता है उसमें दूध भी होता है, तो उसी से ये बनता है। तो अभी आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि वर्जिन और कोल्ड प्रेस में क्या फ़र्क है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा दोस्तों, मैं यहाँ प्रैक्टिकल फ़ायदे की बात करूँगा, इसलिए मैं खुद भी इसको खाता हूँ और अपने जितने साधक हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको इस चीज़ की वजह से खाएं। तो वो प्रैक्टिकल वाला ज्ञान मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ मारेंगे, वो जो ज्ञान है वो नहीं मिलेगा आपको। तो देखें, बॉडी में गैस दो बनने के दो कारण हैं। एक तो है आपके शरीर में गंदगी जमी हुई है, उसी से गैस फर्मेंट हो रहा है। दूसरा कारण है आपके बॉडी में रूखापन आ गया, अंदर यानी कि जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर रूखापन आ गया है, उसकी वजह से गैस बन रही है। तो अब जो दूसरा वाला कारण है, क्योंकि जब हम जो व्यक्ति हमारा डाइट की करता है, जो हम डाइट रिकमेंड करते हैं, उसमें तो सारा जो वेस्ट मटेरियल है, गंदगी है, वो तो बाहर निकल जाती है। अब बचता क्या है? जब वो डाइट करता है तो वो बॉडी में रूखापन आ जाता है। अब उसको दूर करने के लिए हमें चिकनाई डालने की आवश्यकता होती है। जब हम चिकनाई डाल देंगे तो वो रूखापन ख़त्म हो जाएगा और गैस की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी, गैस बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इस तरह से, इस कारण से हम इसे जो है कोल्ड प्रेस ऑयल कोकोनट ऑयल को रिकमेंड करते हैं। इसमें हम घी भी रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन घी तो देखिए शुद्ध नहीं मिलता है, तो इसलिए वो फ़ायदा करने के बजाय और ज़्यादा नुकसान ही कर जाता है। अब शुद्ध घी तो कम से कम अगर देसी गाय का घी आप लेंगे तो 3000 का मिलेगा कम से कम, और अगर 3000 से नीचे है तो वो नकली है, इतना आप समझ लें।
अब इतना महंगा ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, जब कुदरत ने हमें इतना सस्ता चीज़ दिया हुआ है कोकोनट, तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे ना, हम क्यों उसके पीछे भागेंगे 3,000 रुपये के पीछे। तो इस तरह से अब दूसरा, एक तो देखिए ये गैस के लिए बेस्ट है क्योंकि चिकनाई नहीं रहेगा, चिकनाई डालेगा ये और गैस आपका बनेगा ही नहीं। अब दूसरा एक और फ़ायदा क्या है, चिकनाई डालने से उसमें जो है फिसलन हो जाता है जो इंटेस्टाइन है। अब इसका क्या फ़ायदा है, आप खाना डालेंगे तो आराम से जल्दी से ये नीचे चला जाएगा और मॉर्निंग में सुबह सुबह आपका पेट, जैसे आप उठेंगे तुरंत विद इन 5 to 10 मिनट आप टहलो घूमो, 10 मिनट के अंदर आपका जो पेट है वो साफ़ हो जाएगा। तो ये तो रही प्रैक्टिकल ज्ञान जो कि मैं खुद करता हूँ, अपने जितने साधक हैं उनको भी रिकमेंड करता हूँ, बताता हूँ। अब अगर इसको बेचना हो मुझे, ठीक है, तो मैं इसके 2-4 गुण और गिना दूँगा, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा इंटरनेट पे बाबा जी ऐसे गिना देते हैं जी, इसके तो ये फ़ायदे, इसके वो फ़ायदे हैं, ठीक है, और कई सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी इसके बेहतर फ़ायदे गिनाते हुए। इसका इससे तो स्किन बहुत बढ़िया होता है जी, इससे तो जो है बाल बहुत अच्छे रहते हैं जी, ये तो हार्ट में जो है फ़ायदा करता है। भाई साहब आप मेरी डाइट को करेंगे तो वो किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप मेरी डाइट को अगर करते हैं तो आपका हार्ट भी एकदम तंदुरुस्त रहेगा, किडनी भी तंदुरुस्त रहेगा, आपकी त्वचा भी तंदुरुस्त रहेंगे, आपके बाल भी तंदुरुस्त। तो क्या ज़रूरत है आपको इसको उस चीज़ के लिए ख़रीद के खाने की? लेकिन आप करोगे क्या, सामान बेचना है उनको, ठीक है, MBA कर रखा है उन्होंने अपना सामान बेचने में। आपने देखा होगा ना कि जब भी आएंगे 2-4 प्रोडक्ट लेके आएंगे और उसके फ़ायदे गिना देंगे। जब तुम मेरी वाली वो डाइट कर रहे हो उससे आपको आपका सब कुछ ही फिट हो जाएगा, तो आपको अन्य चीज़ों के लिए इसको खाने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ मैंने अभी बताया शुरू में प्रैक्टिकल ज्ञान जो आपको दिया उसके लिए आप इसको खा सकते हैं, लेकिन क्या करोगे, आदत मजबूर है, सामान अपना बेचना है तो कोई ना कोई फ़ायदा तो गिनाना पड़ेगा, 2-4 फ़ायदे तो गिनाने पड़े, असली फ़ायदा नहीं बताएंगे जो मैंने बताया शुरू में, क्यों पता ही नहीं है। जब उन्होंने खुद किया हो उस चीज़ के लिए, खाया पिया हो या लोगों को खिलाया पिलाया हो तब तो पता चलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं, आप सभी को नमस्कार। आप इसी तरह से सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें।